आगरा थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने नकली प्रोडक्ट बनाने वाले गिरोह पर कड़ी कार्यवाही करते हुए तीन छात्रों को दबोच लिया। पुलिस ने नकली शैंपुओं के कारोबार करने वाले गिरोह को पकड़ते हुए भारी मात्रा में नकली शैंपुओं की खेप को बरामद किया। जानकारी करने पर पता चला कि थाना क्षेत्र के चंदन नगर में एक मकान के अंदर छात्रों द्वारा काफी समय से ब्रांडेड के नाम से नकली शैंपू बनाया जा रहा था। पुलिस ने जब छापा मारा तो पुलिस की टीम दंग रह गई। पकड़े गए युवकों ने पुलिस को बताया कि वो कबाड़े के गोदाम से प्लास्टिक शैंपू की खाली बोतलें खरीदते थे, फिर उसमें नकली शैंपू भरकर मार्केट में सप्लाई करते थे। पुलिस टीम को मौके से मकान से भारी मात्रा में शैंपू का बना हुआ माल और खाली बोतलें बरामद हुई। सर, थाना ट्रांसमुना पुलिस ने फर्जी शैंपू बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला, कितने लोग गिरफ्तार हुए? थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में चंदन नगर पड़ता है, वहाँ पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन तीन अभियुक्तों को के पास से हम लोगों को फर्जी शैंपू बनाने के कुछ उपकरण मिले हैं, जिसमें 1500 के करीब फर्जी शैंपू मिले हैं और कुछ खाली डब्बे मिले हैं। उन शैंपू जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक क्लिनिक प्लस, डव, ड्रेस में, इस तरह के शैम्पू ये लोग फर्जी बनाकर मार्केट में निकाल देते थे और इससे मुनाफा करते थे। ये तीन लोग हैं जो हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, तथा इनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से खरीदते थे सर, कहाँ बेचने का काम किया जाता था इसके बाद? ये मार्केट में निकाल देते थे और ये सारा सामान खुद ही बनाते थे, लिक्विड लाते थे केमिकल, उस केमिकल से उन शैम्पू में भरते थे और फिर इसको मार्केट में उतार देते थे। अनुमानित कीमत की बात करें तो सर कितनी कीमत आंकी जाती है सर? इसकी कीमत अराउंड 3 से 5 लाख के आसपास इन लोगों ने, हम लोगों ने जो पकड़ा है वो इतनी खेप है। बाकी और हम लोग लगे हैं, अगर इस तरह का और कुछ मिलता तो हम लोग फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी हमारे द्वारा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।